बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में उनका मार्गदर्शन हमारा पाथेय बनेगा, इस विश्वास के साथ साथ ही हम माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और मंचासीन समस्त अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शिक्षा मात्र शिक्षित करने के लिए नहीं या उसका उद्देश्य सिर्फ रोजगार के लिए योग्य बनाना ही नहीं, बल्कि तेजी से बदलते समय और ज़रूरतों के अनुसार ग्लोबल सिटीज़न तैयार करके उन्हें राष्ट्र के निर्माण से जोड़ना भी है, और इसी दिशा में एक कदम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा का ये महायज्ञ है ये समागम। प्रारंभ हम करेंगे सरस्वती वंदना से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय की छात्राएं प्रस्तुत कर रही हैं सरस्वती वंदना। सिंधु हर ले हे मां
प्रोफेसर रवि भटनागर की स्वर रचना और प्रोफेसर संगीता पंडित के निर्देशन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ये छात्राएं आपके सम्मुख सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही थी। काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हर बार काशी को एक नया फ्लेवर और नया कलेवर देता है। उनके सानिध्य और सामिप्य की कल्पना से ही काशी उल्लसित हो जाती है, हम सब आह्लादित हो जाते हैं। मैं हम सब की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन भी करें, और आप सब अपनी भावनाओं को तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति को नमन। और अब मैं माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वो आज के इस अवसर पर हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी प्रस्तुत करें। भारत के सबसे लोकप्रिय जननेता यशस्वी प्रधानमंत्री जो लोकसभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में मेरे सहयोगी डॉक्टर सुभाष सरकार जी, अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय रजनी तिवारी जी, देश की वरिष्ठ विद्वान शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, देश भर के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति और निदेशक समूह, प्राध्यापक समूह, विद्वानगण, शिक्षाविद, आमंत्रित अतिथिगण एवं मीडिया के मित्र, ऐतिहासिक शहर काशी में शिक्षा जगत के इस भव्य सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। इसीलिए मैं इस शाश्वत शहर के आराध्य काशी विश्वनाथ की चरण में विनम्र प्रणाम करते हुए अपनी बात आरंभ करता हूँ। यह सबसे पुरानी जीवंत शहर है जो प्राचीन काल से ही ज्ञान एवं सिखाने का विश्व विख्यात केंद्र रहा है। हमारी देश के युवाओं के भविष्य और उच्च शिक्षा पर विमर्श के लिए वाराणसी सबसे बेहतरीन स्थान है, क्योंकि यहाँ के कण कण में हमारी प्राचीन धरोहर, संस्कृति एवं ज्ञान राशि समाहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दार्शनिक दस्तावेज है, एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। मेरा मानना है कि संविधान के बाद NEP 2020 एक ऐसा दस्तावेज है जिसे देश भर में कई स्तर पर विचार विमर्श, चर्चा, जन भागीदारी और संवाद के बाद आकार दिया गया है। संविधान के समान ही NEP 2020 हमारी देश की दुविधा और संदेह से बाहर निकालने का विचार, आत्मा, बुद्धि और कार्य में भारतीय होने का गहन गर्व पैदा करता है। NEP की घोषणा के बाद से ही हम उसी के क्रियान्वयन के लिए हर कदम पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलते रहा है, और आज हम सभी का एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य, उनके आशीर्वाद, स्नेह एवं मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हम सभी ने सभी में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया है। पूरा देश शिक्षा जगत की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के मुख्य सचिवों ने देश भर में NEP की क्रियान्वयन की गति देने के बारे में विचार विमर्श किया था। इसी विचार विमर्श को अगले चरण की रूप देने में हम सब
अखिल भारतीय शिक्षा समागम के लिए एकत्रित हुए हैं। इस 3 दिनों में आप सभी को कुछ विषय पे गहन विचार विमर्श करने के लिए अनुरोध करता हूँ। क्या हम अपने समय की जरूरत के अनुसार अपने छात्रों के सही मायने में ज्ञान और कौशल दे रहे हैं? क्या हमारी पाठ्यक्रम हमारी युवाओं की आकांक्षा को अनुरूप है? क्या हमें अपनी कैरिकुलम कोर्स और उच्च शिक्षा कौशल तथा अनुसंधान के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है? NEP 2020 हमें यथास्थिति और कठोरता को तोड़ना तथा प्रगतिशील मानसिकता को तथा साथ अपने राष्ट्र के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव की ओर बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। हमारी देश में 15 से 25 आयु वर्ग में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, यानी लगभग 25 करोड़ आबादी है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, हमारे पास 25 साल ही रहेगा, जिसे हमें अमृत काल भी कहते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए हम सब युवा की ऊर्जा क्षमता और पूरी तरह से उपयोग कैसे करें और ज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, यही NEP 2020 की दिशा दर्शन है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान ने केवल विद्यार्थी और शिक्षकों के जीवन की बेहतरी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र में सभी जीवन के कल्याण के लिए उद्दिष्ट है। हमारी राष्ट्र की ज्ञान परंपरा की जड़ें कई सदियों गहरी है और NEP इसी भारतीय ज्ञान परंपरा की आधार पर मजबूत नींव स्थापित करके देश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की स्वर्णिम आकार देना चाहती है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक है और एक ज्ञान समाज के रूप में उभरती अर्थव्यवस्था को समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में कैप्टन बनना स्वाभाविक है। देश युवाओं को केवल जॉब सीकर के रूप में संतुष्ट देखने की बजाय भविष्य में जॉब क्रिएटर्स के रूप में देखना चाहती है। बंधी बंधाई अथवा स्थापित सीमाओं में आगे बढ़ना, पुशिंग द बाउंड्रीज, असंभव का सपना देखना, ड्रीमिंग ऑफ इम्पॉसिबल, और फिर उसे पूरा करना ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। देश की सकारात्मक सोच साथ व्यापक परिवर्तन की चाह रखने वाले युवाओं की जरूरत है, जो किसी भी स्थिति में समझौता करने की बजाय उसे बदलने की साहस रखते हैं। इसी भव्य अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उपस्थित लोगों की यह जिम्मेवारी है कि वो यह सुनिश्चित करें कि सकारात्मक सोच एवं ज्ञान की दुनिया में शिखर पर जाने की यह इच्छा निरंतर रहे और भविष्य के लिए भारत के पथ को रोशन करने के लिए मशाल के रूप में कार्य करें। तो हमें यहाँ वाराणसी जैसे सबसे पवित्र शहर में NEP क्रियान्वयन और हमारा देश की जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो विकास के नए आयामों और नए कीर्तिमानों के साथ उत्तर प्रदेश की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। सौभाग्य है हमारा कि इस महत्वपूर्ण समागम के आयोजन का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को, हमारी काशी को मिला। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, श्री सुभाष सरकार जी, माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी,
तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, उच्च शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, ड्राफ्टिंग कमेटी एनईपी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, देश भर के आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षाविद, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना की, उनकी स्वयं की काशी में, मैं प्रदेश सरकार की ओर से, देश भर से आए हुए आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही आप सभी सम्मानित शिक्षाविदों का भी काशी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक रही है। यह विद्या की नगरी है और हम सब आभारी हैं कि जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी, तब भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही नए भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत रख रहा था देश के अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रस्तुत कर रहा था। और आज ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के दृष्टि देश भर के सभी शिक्षाविद इसे लागू करने और इसकी भावी योजनाओं पर व्यापक मंथन करने के लिए काशी की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। काशी और भारत की परंपरा वैसे भी विद्या से जुड़ी हुई रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के उस वैदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यह उद्घोष करती है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान को सभी दिशाओं से आने के लिए हमें द्वार खुले रखने चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश की आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वह ज्ञान के सभी दिशाओं से आने के द्वार खोले हैं। मैं इसके लिए देश भर के आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आभार इस बात के लिए भी कि देश भर के शिक्षाविद प्राचीन विद्या की इस नगरी में और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस काशी में, जहां पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में 1916 में इस काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वहां पर आज शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मिलकर के इस शिक्षा महासमागम के आयोजन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्यापक मंथन के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। निश्चित ही मंथन की इस परंपरा से कोई अमृत जरूर निकलेगा और वह द्वार पहले ही, वह रास्ता पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबको प्रस्तुत कर चुकी है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उन्हीं की काशी में इस शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातक स्तर पर लागू कर चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सभी 30 जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं और प्रदेश के सभी 35
निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में भी इसे लागू करने के साथ ही तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यह व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है और जब देश भर के आप सभी शिक्षाविद यहां पर उपस्थित हुए हैं, मेरा अनुरोध होगा कुछ चीजों को लेकर के अक्सर हम लोग देखते हैं, एक हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को, शिक्षा के केंद्रों को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप नवाचार और शोध के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, शासन की योजनाओं से अपने आप को वैराग्य भाव रखने की बजाय उन शासन की योजनाओं के साथ जुड़ते हुए छात्र छात्राओं को उन योजनाओं के साथ अगर हम विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में पहले दिन से ही लगना प्रारंभ कर देंगे तो जब वह अपनी डिग्री लेकर के बाहर निकलेगा तो उसके सामने अपने जीवन की अनंत संभावनाओं के द्वार स्वतः खुले हुए दिखाई देंगे। और यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की प्रेरणा तो हमें दे ही रही है, लेकिन आप सभी शिक्षाविदों के माध्यम से इसे लागू करने में और मजबूती के साथ एक मदद प्राप्त हो सकती है। मैं एक बार फिर से इस 3 दिवसीय शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। भारत खड़ा है अपने गौरवशाली इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर, देश के अमृत काल की यात्रा हो गई है आरंभ। हमारे युवा अपने सपनों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए हैं आतुर। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराए। इस नीति के क्रियान्वयन ने देश के युवाओं में एक नया जोश भर दिया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था से उन्हें पहली बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पढ़ने का मौका मिला है। ऑनलाइन एवं ओपन डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार हुआ है। 75,000 विद्यार्थियों को गति शक्ति के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनोवेशन एवं स्टार्टअप, शिक्षा में मल्टीलिंगुअलिटी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। 2 वर्षों में लाए गए इन सुधारों को कई राज्यों ने, कई संस्थानों ने लागू कर दिया है। अब देश भर के शिक्षाविद और नीति निर्माता इस बात पर विमर्श कर रहे हैं कि इन सुधारों को और गति कैसे दी जाए। पिछले महीने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों के मुख्य सचिवों ने इस विषय में चर्चा की। अब इसी चर्चा की अगली कड़ी के रूप में आज वाराणसी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समागम में उपस्थित होने वाले वाइस चांसलर्स, IIT, IIM के निदेशक तथा देश भर के शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं को नीति के क्रियान्वयन के विषय में मार्गदर्शन करेंगे। प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री समागम में भाग लेंगे। इस चर्चा से नीति के क्रियान्वयन को नई दिशा
नई ऊर्जा मिलेगी और युवाओं के सपनों को मिलेगी ऊंची उड़ान। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने चरित्र, विचार और जीवन से हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा तो देते ही हैं, साथ ही राष्ट्र के निर्माण के संस्कार भी देते हैं, मानवीय मूल्यों में विश्वास भी जगाते हैं और अपनी ज़मीन से जुड़कर आसमान को छूने का साहस और बल भी देते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका उद्बोधन हर बार हमें एक नई अंतर्दृष्टि और दिशा देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से एक बार पुनः उन्हें नमन। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, सरकार के अन्य मंत्रीगण, इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी वाइस चांसलर्स, शिक्षा संस्थाओं के निदेशक, सभी शिक्षकगण, शिक्षाविद, देवी और सज्जनों, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का यह आयोजन उस पवित्र धरती पर हो रहा है जहां आजादी से पहले देश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये समागम आज एक ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत काल में देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है, हमारी युवा पीढ़ी पर है। हमारे यहाँ उपनिषदों में भी कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। मैं इस अवसर पर महामना मालवीय जी के चरणों में नमन करते हुए इस आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं, मेरी काशी में आप पधारे हैं तो एक प्रकार से मैं होस्ट भी हूं। आप इन सब के साथ साथ मेरे भी मेहमान हैं।
मुझे विश्वास है कि व्यवस्थाओं में ज्यादा आपको असुविधा नहीं होगी। प्रबंध करने का सबने भरपूर प्रयास भी किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो वो दोष मेरा रहेगा। और एक होस्ट के नाते कोई भी आपको असुविधा हो जाए तो उसकी क्षमा मैं पहले से मांग लेता हूं। साथियों, मैं अभी एक कार्यक्रम करके आ रहा हूं। यहां मध्याह्न भोजन के लिए एक सेंट्रलाइज किचन का काम था, लेकिन वहां मुझे मेरी काशी की सरकारी स्कूल के 10-12 साल की उम्र के बच्चों के साथ गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिला। और वहां से निकल करके यहां आया हूं। और मैं उनसे सुनकर के आया हूं और आपको सुनाने आया हूं। और मुझे कहना होगा, और मैं तो चाहूंगा जब मैं अगली बार आऊंगा तो जिस स्कूल के बच्चों से आज मुझे मिलना हुआ है, मैं उनके जो टीचर्स हैं उनको मिलना चाहूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा विचार मुझे क्यों आया होगा। मेरे मन पर इतना प्रभाव पैदा हुआ, 10-15 मिनट का ही वो अवसर था मेरे पास, लेकिन जो प्रतिभा उन बच्चों में थी, जो टैलेंट थी, जो कॉन्फिडेंस था और जो विविधता थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान्य परिवार के बच्चों की, जो टैलेंट वो बच्चे वहां प्रस्तुत कर रहे थे, आपके परिवार में भी अगर आपका पोता नाती अगर ऐसी टैलेंट आपके सामने रखेगा तो जब भी मेहमान घर में आएंगे आप उसको खड़ा कर देंगे, जरा देखो मेहमान आए, वो तुम सुनाओ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी का ये सामर्थ्य, उनकी क्षमता, जब वो आप जहां है वहां पहुंचेंगे, पद पे नहीं, उस इंस्टीट्यूट में आप तो नहीं होंगे, आप ऐसे इंस्टीट्यूट बना के जाएंगे कि इस प्रतिभा के बच्चे आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उनको वहां कमी नजर ना आए, ये काम सबसे बड़ा आपके जिम्मे है। और मुझे विश्वास है कि अगले 3 दिनों तक यहां जो चर्चा और विमर्श होगा उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रभावी दिशा मिलेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बनाकर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था। आजादी के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी,
लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी और बनारस तो मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहां अच्छा अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे, बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहां ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसात करेंगे, छात्र छात्राओं को, देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा, देश के आने वाले भविष्य को भी उतना ही ज्यादा लाभ होगा। साथियों, नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण, आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश उतना ही जरूरी है। जो पहले कभी नहीं हुआ, जिन लक्ष्यों को पाने की देश ने कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकीकत हमारे सामने निर्माण हो रही है। अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उभरे बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। पूरा अंतरिक्ष उनके बाहुपास में आ रहा है। दोस्तों, देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए भी जो क्षेत्र पहले बंद हुआ करते थे, आज वो सेक्टर बेटियों की प्रतिभा के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, जब देश का मिजाज ऐसा हो, जब देश की रफ्तार ऐसी हो, तो हमें अपने युवाओं को भी खुली उड़ान के लिए नई ऊर्जा से भरना होगा। अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये तय करते आए थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब युवाओं पर दायित्व और बढ़ गया है और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उड़ान को निरंतर प्रोत्साहित करें, उसके मन को समझे, उसकी आकांक्षाओं को समझे, तभी तो खाद पानी डाल पाएंगे। उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है। दोस्तों, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा हमें वैसा ही शिक्षण,
वैसी ही संस्थानों की व्यवस्थाएं, वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमारा मिजाज अपने आप को सज्ज करना ही होगा। नई नीति में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। हमारे युवा स्किल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, कैलकुलेटिव हो, शिक्षा नीति इसके लिए जमीन तैयार कर रही है। साथियों, देश में तेजी से आ रहे परिवर्तन के बीच शिक्षा व्यवस्था और इससे जुड़े आप सभी महानुभाव की भूमिका कितनी अहम है, इसका एक उदाहरण मैं अपने गुजरात के मुख्यमंत्री काल के शुरुआत के कालखंड का एक अनुभव बताता हूं। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, सरकार वरकार की दुनिया से मेरा कोई नाता ही नहीं था, मैं बहुत दूर था, अचानक काम आया था, तो मैंने एक कार्यक्रम बनाया था। मेरे सभी सचिवों को मैंने कहा कि आप ही आपके डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री हैं और मुझे बताइए 5 साल में आप अपने डिपार्टमेंट को कहां ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, अचीव क्या करोगे, उससे गुजरात के सामान्य मानवी के जीवन को क्या लाभ होगा, उसका एक आपका विजन और पूरी डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन कीजिए। ये मैंने सभी विभागों के सचिवों को कहा और हर दिन शाम को 5 बजे सभी मेरी मंत्रिपरिषद के मंत्री और सभी सचिव हम बैठते थे और एक सचिव आकर के अपने विभाग का पूरा प्रेजेंटेशन देते थे, फिर डिबेट होती थी। सभी सचिव, जो पहले भी कोई एग्रीकल्चर सचिव रहा होगा वो भी वहां बैठा हुआ है, सब लोग अपने अपने विचार रखते थे, डिबेट होती थी, हमारे मंत्री भी डिबेट करते थे, मैं सुनता रहता था, सीखने का प्रयास करता था। एक दिन, और ये कार्यक्रम मेरा करीब महीने भर चला था और शाम को 5 बजे शुरू होता था, रात 10 बजे तो बड़ी मुश्किल से घर जाने की इजाजत मिलती थी और बड़ा ही इंटेंस वो कार्यक्रम चला और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो मेरे यहां उद्योग के जगत के संबंधित प्रेजेंटेशन हुआ, आने वाले दिनों में वो औद्योगिक क्या क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में औद्योगिक विकास कैसा होगा, सारा बता रहे थे। तो कार्यक्रम पूरा होते ही शिक्षा सचिव मेरे पास आए, क्योंकि दूसरे दिन शिक्षा सचिव का कार्यक्रम था। उसने कहा, साहब मैं कल नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा, क्या बात करते हो भाई, 1 महीने पहले आपको तैयारी करने के लिए कहा और आप लास्ट मोमेंट कह रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, साहब तैयार तो है, मैं कर सकता हूं, लेकिन आज जो मैंने औद्योगिक विकास का जो प्रेजेंटेशन देखा उसको देख करके मुझे लगता है कि हमारा उनका कोई मेल ही नहीं है, हम बाएं जा रहे हैं वो दाएं जा रहे हैं, तो मैं इसकी लाइट में मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे समय चाहिए, तब जाकर के हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में साथ मिलकर के शिक्षा हो इंडस्ट्री चल सकते हैं। हमें भी अब तो पूरी दुनिया का पता होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें हमारा देश कहाँ है, उसमें हमारे युवा कहाँ है। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं। मैं आज दिन बिता रहा हूं, एग्जाम ले रहा हूं, कॉन्वोकेशन कर रहा हूं, क्या यही मेरा, मैं जिस पद पर हूं वही काम है, क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी संस्थान खड़ी करके जाऊंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूल कॉलेज में आएगा
आजादी के जब 100 साल होंगे, जब वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा, तब मेरा देश वहां पहुंचेगा, मैं वो व्यवस्था आज पैदा करके जाऊंगा। आप सबको वर्तमान को संभालना है, आपके पहले जो करके गए हैं उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्थाएं फ्यूचर के लिए विकसित करनी होगी। और क्योंकि आज बच्चों की जिज्ञासा ऐसी होती है, जिनके उत्तर अभी मैंने कहा, मैं जिन बच्चों को मिलकर आया हूं, आपको भी घर में पता चलता होगा, छोटे छोटे आपके पोते पोती भी आपको सवाल पूछते होंगे, आपके नन्हे मन्ने बेटे अगर सवाल पूछते होंगे, आपको सोचना पड़ता होगा, अरे भाई ये कहां सर खा रहा है, वो सर नहीं खा रहा है, आर का सर उसको जवाब नहीं दे पा रहा है दोस्तों, वो सामर्थ्य। आपके हर किसी के घर में ये अनुभव आया होगा जी, आज की पीढ़ी जिन बातों को लेकर के आती है, वो तो गूगल पर 10 चीजें सवाल पूछते, बोले आप क्या कह रहे हो, गूगल तो ये कह रहा है, आपको काउंटर करता है बच्चा। अब ये बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में 10 साल के बाद आएंगे, तब क्या हाल होगा आपका, हमें अभी से तैयार करना होगा अपने आप को। आप घर में भी उसके अपने बच्चों के साथ मिसमैच अनुभव कर रहे हैं, जब स्कूल कॉलेज के कैंपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी होगी, इस प्रकार से नई सोच के साथ आई होगी और हम वहां उसके योग्य नहीं होंगे, तो उनके साथ कितना बड़ा गहरा अन्याय हो जाएगा दोस्तों। और इसलिए आवश्यक है कि हम भविष्य को जाने समझे, व्यवस्थाओं को विकसित करें। मैं अभी कुछ दिन पहले डिजिटल इंडिया अभियान के तहत गांधीनगर में एक एग्जीबिशन देखने गया था, वहां सरकारी स्कूल के बच्चे थे, 12वीं 10वीं या 11th के बच्चे थे, वहां बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तैयार किए थे, जो आइडियाज रखे थे, मैं बहुत उसको समझने की देखने का प्रयास कर रहा था और मैं प्रभावित हुआ था इन बच्चों के काम से। रिसर्च का ऐसा पोटेंशियल, कम उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन वाली बातें सुनकर मैं दंग रह गया। वहां कई बच्चे बायोटेक और जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, उनकी क्लास में जब साइंस के फंडामेंटल्स पढ़ाए जा रहे हैं, तब वो जीन मैपिंग, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और जेनेटिक लाइब्रेरी बेस्ड टूल्स की बात कर रहे थे। अब कितना बड़ा अंतर है, आप कल्पना करिए। मैं उनके काम को देखकर सोच रहा था कि जब ये हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूशन इनकी आधुनिक सोच के मुताबिक तैयार होंगे क्या, अगर हम इन बच्चों के लिए उनके हायर एजुकेशन में पहुंचने का इंतजार करेंगे, तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी दोस्तों। इसलिए हमें ये अभी से सोचना होगा कि जिस उम्र में भी बच्चों के मन में मोटिवेशन है, उसी उम्र में उन्हें गाइडेंस और रिसोर्स मिले, इसका प्रबंध हमने सोचना पड़ेगा। हमें अपने संस्थान में ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम करना चाहिए। साथियों, इस महीने के आखिर में 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2 साल पूरे होने वाले हैं और अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि बड़े मंथन के बाद ये शिक्षा नीति बनाई, कस्तूरंगन जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया, उसके कारण ये संभव हुआ। और इतना विविधता भरा देश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इस प्रकार से स्वागत हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है जी, बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन इसकी विशेषता देखिए, इसको बनाने में तो मंथन हुआ, आम तौर पर सरकार का स्वभाव होता है एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो डॉक्यूमेंट समय के भरोसे छोड़ दिया जाता है, कुछ व्यक्तियों के भरोसे छोड़ जाता है, आपके भी टेबल पे तो कुछ दिन शोभा बढ़ाता है डॉक्यूमेंट, फिर वो भी टेबल पे से हट जाता है, कोई नया डॉक्यूमेंट आता है वो जगह ले लेता है, बात वही समाप्त हो जाती है। अनुभव आपको भी है, यहां बैठे हुए लोगों को भी है। हमने ऐसा नहीं होने दिया, हमने हर पल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिंदा रखा है। मैं स्वयं भी इतने कम समय में कम से कम 25 सेमिनार में गया हूं, शायद 25 से ज्यादा,
और इसी विषय पे मैं बोलता रहा हूं। ये रिपोर्ट देने के बाद स्वयं कस्तूरी रंगन जी लगातार संवाद कर रहे हैं, हर क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके क्लैरिफिकेशन चाहिए समझा रहे हैं, उसके पीछे का विजन क्या है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो समझा रहे हैं। पूरी सरकार के सभी डिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये, क्योंकि 30 साल के बाद आया हुआ डॉक्यूमेंट, सिर्फ कागज का ढर्रा हमारे पास पहुंच जाने से होगा नहीं जी। आप भी यहां जब 3 दिन मंथन करोगे उसकी कई बारीकियां हैं जो शायद आपने पूरा पन्ना पन्ना पढ़ लिया होगा, लेकिन अब नई तरीके से आपके सामने उजागर होगी। इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे ही निरंतर मंथन की योजना बना करके यहां से जाना, सिर्फ यहां से आप सुन करके मत चला जाना, आपके साथ जुड़े हुए जो बाकी साथी हैं वे भी ऐसा ही मंथन करें, उसमें से और अमृत निकालें जी, तब जाकर के इसका लाभ होगा। और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो चुनौतियां हैं उसकी हर बारीकी पर हमें गौर किया करते रहना चाहिए। साथियों, आज जब कोई काम अपने हाथों में लेता है तो समस्याएं का समाधान भी तेजी से निकलता है। समस्या समझ करके यार मैं कहां पढ़ू इसमें, तो समाधान कभी नहीं निकलता है। साथियों, इन 2 सालों में देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई ठोस कदम उठा चुका है। इस दौरान एक्सेस, क्वालिटी और फ्यूचर रेडीनेस जैसे जरूरी विषयों पर हुई वर्कशॉप ने भी बहुत बड़ी मदद की है। देश विदेश के एकेडमिशियंस, इनसे जो चर्चाएं हुई, मेरा भी देश के शिक्षा मंत्रियों के साथ, शिक्षाविदों के साथ जो संवाद हुआ उसने भी इसी गति को आगे बढ़ाया है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे धर्मेंद्र जी ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को भी बुलाया था, जैसे आपके साथ चर्चा कर रहे उनके साथ भी की थी। लगातार कोशिश हो रही है कि इन चीजों को हम 100% साकार कैसे कर पाए। राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और आज सभी के प्रयासों का परिणाम है कि देश और खासकर देश का युवा इस बड़े बदलाव में भागीदार बन रहा है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल पर भी काम हुआ है। आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए IIT और नए IIM की स्थापना हो रही है। 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है। युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए यूनिवर्सिटीज में समान स्टैंडर्ड के लिए इस वर्ष कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी लागू किया गया है। ऐसे ही कई और भी रिफॉर्म्स किए गए हैं। देश के इन प्रयासों का परिणाम है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की संख्या में धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रही है। ये बदलाव केवल शुरुआत है, अभी हमें इस दिशा में लंबी दूरी तय करना है। साथियों, मुझे ये भी संतोष है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहां देख रहा हूं कि इस आयोजन में भी संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। काशी की धरती से हुई ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारत दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तैयार करना होगा। इस दिशा में देश लगातार प्रयास भी कर रहा है। हायर एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। करीब 180 उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए
विशेष कार्यालय की स्थापना भी की गई है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इसी दिशा में न केवल जरूरी विमर्श करें बल्कि भारत के बाहर की व्यवस्थाओं से भी परिचित होने का प्रयास करें। ये नई व्यवस्थाएं भारत की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से भी जोड़ने में मदद करेगी। साथियों, इन तीन दिनों में आप लोग अलग अलग सेशन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस चर्चा से देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में नए रास्ते खुले, युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन हो। दुनिया के कई देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो रफ्तार पकड़ी है उसमें एक बड़ा योगदान वहां की यूनिवर्सिटीज का भी है। यूनिवर्सिटीज लगातार सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों पर रिसर्च करती है, सरकार को सुझाव देती है। यही कल्चर, यही कार्य पद्धति हमें अपने यहां भी विकसित करने की जरूरत है। इससे यंग जनरेशन को देश और देश की नीतियों की समझ आती है और उसकी संभावनाओं से भी परिचित होते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के युवाओं की इनोवेटिव सोच और नए आइडिया से नई व्यवस्थाओं को भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। इससे फ्रेश टैलेंट आता है, फ्रेश आइडियाज आते हैं। मैं चाहूंगा कि इसे लेकर भी आप सब चर्चा करें, कोई रोडमैप तैयार करें। यूनिवर्सिटीज कैसे सरकार के साथ अलग अलग क्षेत्रों में पार्टनरशिप कर सकती है, इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अपनी एक्सपर्टीज आपको ही तय करनी है। आप जिस क्षेत्र में हैं उसे लेकर सर्वे और स्टडी करें, सरकार को सुझाव दें। आपकी यूनिवर्सिटी का जो 50-100 किलोमीटर का जो दायरा होगा, वहां की जन सामान्य की समस्याएं क्या है, उसके उपाय क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज के लिए क्या किया जा सकता है, वहां के सामान्य व्यक्तियों की वृत्ति प्रवृत्ति क्या है। आपके स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, स्थानीय रूप से बढ़िया रिपोर्ट बनेगा। सरकार की कोई योजना चलती है तो उसकी अच्छाइयां क्या है, कमियां क्या है, सुधार की संभावनाएं क्या है, बढ़िया रिपोर्ट बन सकता है। ये सारी बातें सरकार के अंदर गंभीरता से कर लिया जाए, बहुत बड़ा परिणाम आता है। मुझे याद है, मैं गुजरात में था तो एक बार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम था। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लोगों ने रूरल डेवलपमेंट में काफी रिसर्च करके कुछ किताबें तैयार की थी। उस दिन उन्होंने मुझे गिफ्ट की। मैंने जरा बड़ी बारीकी से उसको देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा। मैंने डिपार्टमेंट को काम दिया। मैंने कहा, भाई ये जो स्टूडेंट्स ने काम किया है, आप जरा देखिए सरकार जहाँ जा रही है और ये बच्चे जो कह रहे हैं उसमें कितना अंतर है, और आप हैरान हो जाएंगे। उसमें से बहुत सी चीज़ें मुझे रूरल डेवलपमेंट के मेरे काम में इतनी मदद आई। विद्यार्थियों ने, टीचर्स ने किया हुआ काम था, जो सरकार में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके निर्णय करना मुश्किल होता है जी। जो फील्ड में हमारी ये पीढ़ी जाती है वो बहुत ही अच्छा उसका अर्क निकाल करके ले आती है, और कुछ चीजों का कल्पना भार का लाभ हुआ हो ये भी ध्यान में आता है जी। और मुझे विश्वास है हमें उससे, अब जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लैब में जो करती है कितना ही अच्छा काम करे, लेकिन उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाए, इंटरनेशनल मैगजीन में उसका आर्टिकल भी छप जाए, उसको डिग्री भी मिल जाए, लेकिन वो तो मामला लैब में ही रह जाएगा। हमारे पास लैब टू लैंड का भी तो रोड मैप होना चाहिए ना। जो लैब में है वो लैंड पर भी तो उतरना चाहिए ना। और जैसे लैब टू लैंड होना चाहिए, वैसे ही लैंड पर यूनिवर्सिटी में नहीं गए ऐसे लोगों का अनुभव भी बहुत ज्यादा होता है, और जो लैंड का अनुभव है उसको लैब में भी लाना चाहिए। और लैब में वो कैसे आए, रिसर्च को कैसे एनरिच करे, परंपरागत अनुभव को कैसा करे, ये सोच करके हम कदम उठा दे सकते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद में हमारा ज्ञान, उसको कोई चुनौती तो आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया के कई देश हैं जो आज ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमसे आगे निकल रहे हैं जी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में परिणाम और प्रमाण दोनों की जरूरत होती है।
हम ये कहें कि भाई मैं ये जड़ी बूटी लेती हूं, ये फायदा होता है, परिणाम मिलता है, लेकिन हम मान के चले और सभी यूनिवर्सिटी के तरफ मेरे कुछ न यहां से सुन करके जाए तो चलेगा, दो शब्द मेरे सुन करके चल के जाइएगा और उस पर मंथन कीजिएगा। हमें परिणाम तो मिल जाते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं, और इसलिए हमारे पास परिणाम के साथ साथ प्रमाण होने चाहिए, हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए, हमारे पास उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए, कहां से कैसे बदला हुआ है। हम भावनाओं के आधार पर दुनिया नहीं बदल सकते जी, दुनिया के सामने उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, और इसलिए परिणाम होने के बावजूद भी प्रमाण की आवश्यकता आज के विश्व को बहुत जरूरी है, और इसलिए अब हमारी यूनिवर्सिटीज को जो परिणाम से हम परिचित हैं लेकिन जिसमें प्रमाण का अभाव है, उन प्रमाण की पूर्ति करने के लिए मैकेनिज्म बनाना, व्यवस्थाएं विकसित करना है, परंपराएं विकसित करना, ये आप सब साथियों की मदद के बिना होना नहीं होगा। एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन पर रिसर्च का ये काम भी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरह कर सकती है। साथियों, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी बहुत बड़ी ताकत है, चर्चा भी करते हैं, लेकिन क्या कोई यूनिवर्सिटी है जिसने इसका स्टडी किया है? क्या आखिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है? क्या दुनिया में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर आया था तब उस दुनिया के उस देश ने किस प्रकार के कदम उठाए थे, वहां की यूनिवर्सिटी कैसे व्यवहार करती थी और उसका बेनिफिट कैसे लिया? बहुत बार हमको कहते हैं, दोहराते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावनाओं पर हम क्यों न काम करें, उस सामर्थ्य का उपयोग हम आने वाले 20, 25, 30 साल के लिए देश को कैसे दे सके, ऐसे ही हम देखते हैं। अब दुनिया के देशों की स्थिति देखिए, समृद्ध से समृद्ध देश भी इस बात से परेशान है कि वहां लोगों की आयु बहुत बढ़ रही है, एजिंग प्रॉब्लम है, और युवा पीढ़ी न के बराबर हो रही है, बहुत बड़ा बल्क बुजुर्गों का है, उनको जो दुनिया चलानी है उसको चला नहीं पाते हैं। अब ये चक्र ऐसा है, हरे को आना ही आना है, आज हमारा देश युवा है, कभी हमारा देश भी ऐसा ही होगा जिसमें युवा कम होगे, वृद्ध ज्यादा होगे, वो दिन आने वाले हैं। क्या दुनिया में अभी से कोई है जो इस प्रकार के वृद्धत्व के कारण उस देश की जो स्थितियां बनी है उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने रास्ते क्या खोजे हैं? यूथ का अभाव में वो समस्याओं का समाधान कैसे कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि चीजें बड़ी स्मूथली आगे बढ़ रही है? ये सारे सोचने का काम मेरी यूनिवर्सिटीज का सहज स्वभाव होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में आपके लिए अभी से मैं मानता रिसर्च और काम करने का अच्छा स्कोप होता है, और इसके कारण जिन बच्चों को ये प्रोजेक्ट देते हैं उनका एक विजन बनता है, उनको भी नई चीजें समझने का अवसर मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, क्लाइमेट के फील्ड में भी हमारे लोग अगर काम करें तो असीमित संभावना है हमारे पास। अब हमने देश में एक योजना बनाई है CDRI की, क्लाइमेट की स्थिति में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो उसका सामना कर सके, रेजिलिएंट होना चाहिए। अब उस पर हमारे रिसर्च किए बिना हम कैसे करेंगे जी? पहले के जमाने में जो चीजें बनाते थे तब न इतनी बाढ़ आती थी, न इतनी वर्षा होती थी, कुदरत हमारे साथ चलती थी, हम कुदरत के साथ चलते थे, अब वो हमसे उल्टा चल रही, हम उससे उल्टा चल रहे हैं, और इसलिए हमें इस नए संकट के सामने जीना कैसे उसको सीखने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आज सारी दुनिया सोलर पावर की तरफ बढ़ रही है, भारत भाग्यवान है कि उसके पास तपता हुआ सूरज है, उस तपते हुआ सूरज की मालिकी हम कैसे उपयोग करें, उसके सामर्थ्य को हम हमारे जीवन व्यवस्था का हिस्सा कैसे बनाएं? सोलर पावर को हमारे यहां इतना महत्व दिया गया है, सरकार की नीतियों में दिया गया है, लेकिन हम रिसर्च के द्वारा, नए नए अनुसंधान के द्वारा, आज नए युग के हिसाब से नए वैज्ञानिक संसाधनों के साथ इस ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए हमें काफी काम करने की जरूरत लगती है। उसी तरह साथियों, स्वच्छ भारत अभियान हर व्यक्ति के दिल में ये बात अब
घर कर गई, हाँ भाई स्वच्छ भारत के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन बात वहां से बनती नहीं है। जब तक हम वेस्ट टू वेल्थ की तरफ की योजनाएं नहीं बनाते हैं, ये जो कूड़ा कचरा निकलता है उसका सर्कुलर इकोनॉमी क्या हो सकती है, उसका बेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये तो यूनिवर्सिटी रिसर्च करके दे सकती है जी। हमारे नए नए लोग होते हैं, प्रयोग करके दे सकते हैं। हम वेस्ट वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाए, हम सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे मजबूत करें, और खासकर लोकल लेवल पर सर्कुलर इकोनॉमी कैसे, कितने क्षेत्र आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं। आज देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी नए आत्मविश्वास के साथ नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटियां बन रही हैं इसलिए बाकी यूनिवर्सिटी के नौजवानों को स्पोर्ट्स से कोई लेना देना है। जी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी के मैदान शाम को भरे रहने चाहिए, बच्चों को घर भेजने के लिए मेहनत करनी पड़े, ये वातावरण हर यूनिवर्सिटी के मैदान में होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी ये लक्ष्य बना सकती है, एक एक यूनिवर्सिटी तय कर सकती है कि आने वाले वर्षों में मेरी यूनिवर्सिटी कितने गोल्ड मेडल ले आएगी, मेरे स्कूल के कितने विद्यार्थी, मेरी कॉलेज के कितने विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे, ये किस यूनिवर्सिटी के टारगेट क्यों नहीं होने चाहिए दोस्तों। दुनिया के कितने देश में मेरे देश के मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे खेलने के लिए जाएंगे, मैं उनको कैसे तैयार करूं, उनको एक्सपोजर मिलेगा, वे भी मेरी एक बहुत बड़ी अमानत बन जाएगा। साथियों, मैं स्ट्रे विचारों को इसलिए रख रहा हूं, अनगिनत संभावनाएं हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके हाथ में अवसर दिया है जो पिछले वर्षों में हमारे पास नहीं था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आया है, ये हमारा काम है उसको आगे बढ़ाए। साथियों, हम सबको याद रखना होगा कि देश के भविष्य निर्माण का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नेतृत्व आप सब साथियों के हाथ में है। मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम में आपके मंथन से निकला अमृत, आपके सुझाव देश को एक नई दिशा देंगे। जिन नौजवानों के साथ आपका समय बीतता है उनको वर्तमान के लिए नहीं आने वाले कल के लिए तैयार करना है। अगर आने वाले कल के लिए तैयार करना है तो आपको आने वाले साल के लिए तैयार होना है। अगर आप आने वाले साल के लिए तैयार होते हैं तो आपकी इंस्टीट्यूट को आने वाले 100 साल के लिए तैयार करना है, तब जाकर के इस काम को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी भाव को साथ आप लोग काशी की इस पवित्र धरती पे हैं, माँ गंगा के तट पर विराजमान हैं, सांस्कृतिक पूरी परंपरा हमें नई चेतना और प्रेरणा देने वाली परंपरा है, उस परंपरा में से कुछ न कुछ अमृत बिंदु आपके भी नसीब आएंगे। जो अमृत बिंदु लेके जाएंगे वहां जब आप उसको रखोगे, वो यूनिवर्सिटी भी आने वाले अमृत काल में भारत के उज्जवल भविष्य को गढ़ने के लिए काम आएगी। मैं फिर एक बार विभाग का इस कार्यक्रम की रचना के लिए धन्यवाद करता हूं। आप सब उत्साह और उमंग के साथ इसे शरीक हुए हैं, मुझे विश्वास है 3 दिन में आप थक नहीं जाएंगे। मैं बैठे बैठे कार्यक्रम देख रहा था, मुझे लग रहा है पता नहीं आपका क्या होगा 3 दिन के बाद, लेकिन आप एकेडमिक वर्ल्ड के हैं तो जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। हमें विश्वास है आपके मार्गदर्शन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी और युवाओं की अनंत संभावनाओं को असीमित द्वार मिलेंगे अभिव्यक्त होने के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंच से उतरकर सभी का अभिवादन करने के लिए सभागार में। तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे अखिल भारतीय शिक्षा समागम।